गुड मॉर्निंग। आज है नवरात्रि का पहला दिन। इन्होंने पहन ली है वाइट शर्ट। वाइट पहनते हैं ना नवरात्रि के पहले दिन पे, और ये वाइट शर्ट निकली है कई सालों बाद। नवरात्रि नवरात्रि में निकलती है। वाइट शेक बन गया क्योंकि आज से फास्ट चालू है, तो ये बनाना शेक है। वाइट डे है, फर्स्ट डे है, तो हम ये साड़ी पहनेंगे। मेरे पास इससे ज़्यादा वाइट कुछ भी नहीं है। एंड ये नील पेंट लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि वाइट ज्वेलरी पहने। देख, सबसे पहले तो ये नेल पेंट रिमूव कर लेती हूँ, पुरानी वाली। इससे ना नेल पेंट रिमूव करना बहुत आसान होता है। देखो कैसे कितनी आसानी से रिमूव हो जाती है। नेल पेंट रिमूवर से जो आता है ना, वही ना, 2 मिनट भी नहीं लगते। मैं कर लेती हूँ सारी नेल पेंट रिमूव। ये आता है मार्केट में, क्या बोलते हैं इसको, नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स आती है मार्केट में इस टाइप की। ये इनसाइट ब्रांड है, और ऐसा कोई और भी ब्रांड आता होगा। इससे ज्यादा वाइट पहन पाना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। यही एक इकलौती वाइट साड़ी है मेरे पास, जिसमें रेड एंड ब्लैक दोनों मिक्स है। और इयर रिंग्स में मैंने वाइट पहन लिए, चूड़ियाँ भी वाइट, नेल पेंट वाइट, वाइट थोड़ी सी। तो ये कोटा डोरिया मतलब सुपर नेट टाइप की साड़ी है, तो ये पहन ली है हमने। तो मैं ना कब से इंतजार कर रही हूँ कि मेरे बाल लंबे हो, मेरे बाल लंबे हो ही नहीं रहे, बाल लंबे, बहुत स्लो ग्रोथ है। और वाइट एक चीज़ और है, मेरे बाल तो आज तो मैच कर गए, बाकी दिन मैच नहीं करेंगे, तो काले करने पड़ेंगे। नीचे चलते हैं और मीका को भी रेडी करना है, अभी मीका आएगी तो नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे अभी पूरे 6 दिन तो कुछ नहीं होगा, 7वें दिन यानी संडे को प्रोग्राम है यहाँ पे, तो 7वें दिन की मस्ती हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। आज काना ने भी वाइट ड्रेस पहनी है ना, देखो। 9 डेज तक ऐसे कलर्स हम यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात में स्पेशली पहनते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे गुजराती कल्चर भी है और महाराष्ट्रियन भी ऐसे कलर्स डिफरेंट पहनते हैं, क्योंकि मैंने और कहीं नहीं देखा। मैं जब दिल्ली NCR में थी, हमारे राजस्थान में भी नहीं पहनते, MP में भी नहीं पहनते ऐसे कलर्स का। ऐसा वहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि आज के दिन व्हाइट ही पहनना, आज के दिन रेड ही पहनना, बट महाराष्ट्र और गुजरात में स्पेशली है कलर्स का, तो मतलब मेन है, पहनना ही है। सुबह से सब लोग ऑफिस भी व्हाइट कलर ही पहन के जाएंगे आज, मतलब पूरे 9 डेज 9 कलर पहनेंगे, और 9 डेज तक काफ़ी धूम रहेगी। जैसे जब हम दिल्ली में थे तो हमें पता ही नहीं था होता था कि कब नवरात्र आया और कब चले गए। मतलब हम तो नवरात्र ऐसे पूजा करते थे, पूजा ज़रूर करते थे, पर ऐसा मतलब इतनी धूमधाम नहीं होती थी। जैसे यहाँ पर पूरे 9 दिन हो गए, हमारी सोसाइटी में भी पूरे 9 दिन तक गरबा खेलेंगी लेडीज़, और नीचे गरबा बिठाया भी दिखाती हूँ आपको, तो उसकी पूजा करेंगे और आरती करेंगे, और फिर उसके बाद वहाँ पर थोड़ा गरबा करते हैं वहाँ पर 9 डेज तक, और फिर लास्ट में होगा फिर अच्छे से फंक्शन, बढ़िया वाला, फिर हम आपको दिखाएंगे उसमें तो क्या लड़के और लड़कियाँ क्या ड्रेसेस पहन पहन के आते हैं और क्या डांस करते हैं भाई। हम तो डब्बे ही है, हमें तो कुछ सिखाया नहीं लाइफ, मतलब लाइफ में पहली बार जब हम डांडिया खेलने गए थे ना, तो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरे भाई के साथ ही गई थी मैं। हाँ, ऐसे 2 टिकट होते थे, तो जैसे एक दिन में 2 ही लोग जा सकते हैं, तो मतलब भाई तो हर दिन जाएगा। हाँ, अब भाई के साथ हम चेंज हो जाएंगे, एक बार मैं जाऊँगी, एक बार मम्मी जाएगी, एक बार मेरी सिस्टर, भाई पूरा 4 दिन गया। हाँ, आराम से खूब मज़े में। और हम मैं पहले दिन गई ना, तो मैं नाना जी थे उस दिन घर पे, तो लेट हो गए भैया, मतलब यार वहाँ डांडिया ही 10:30 बजे चालू हुआ, तो हम क्या करें, 1.5 घंटा खेल के हम 12:30 बजे घर आ गए। नाना जी ने खूब डांटा भैया कि ये कोई टाइम होता है क्या घर आने का, यहाँ लोग 4-4 बजे तक खेलते हैं, सच्ची में हमारे टाइम पर बहुत होता भाई। पर ऐसा नहीं है, देखो मेरी बच्ची भी अगर लेट आएगी ना, तो मैं तो डांटूंगी, मैं आई विल नॉट अलाउ, क्योंकि दुनिया का कोई भरोसा नहीं भैया। और सही करते थे, डांटते थे, तो कुछ गलत नहीं करते थे हमारे घर वाले। जा रही हूँ, मीका भी चली गई है, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। चलो लड़ी ना,
शेयर करनी बनती है। हमने डिसाइड किया था कि हम इस बार के उपवास ना उपवास जैसे करेंगे, कंदमूल फल खा के। और मेरा पति अभी घर आए चटपटाते हुए, बोल अभी कुछ तो दो मुझे। और मैंने कहा कि फास्ट कर लो, उपवास मत करो, मतलब फास्ट मतलब एक टाइम खाना खा के उपवास ही करूँगा। बीमारों के जैसे बॉइल खा लेते हैं रोज 10 दिन। हाँ 10 दिन में बॉडी डिटॉक्स करनी है। डिटॉक्स कर लो, डिटॉक्स इससे भी होगा। अच्छा थोड़ा थोड़ा ये सब खाने से सिर्फ एक टाइम, और बाकी टाइम फ्रूट्स इनका सर चढ़ गया बेचारों का। चलो इनको दे देते हैं कुछ, बनाते हैं दूध दूध ही बना देते हैं। तो मैं अपनी तरफ से तो इस ब्लॉग को छोटे से ब्लॉग को ही एंड कर देती हूँ। और आई होप आपको छोटा सा ब्लॉग था पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, यानी कि कल का रेड डे। ब्लॉग को लाइक कर देना, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करो प्लीज़, सपोर्ट।